इधर देखिए इसमें जो नेट इंटेंसिटी हमको देखने को मिल रही है इस डायपोल की वो किधर की तरफ मिल रही है, तो आंसर है मैग्नेटिक एक्सिस में मिल रही है देखने को, इसी एक्सिस में, ये मैग्नेटिक एक्सिस में ही बनती है और पैरेलल बनती है इसके, ये देखिए ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक लाइन, द नेट इंटेंसिटी एट द इक्विटोरियल पॉइंट विच एक्ट्स पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इधर से इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। ये छोटा सा केस लगाना है इसमें कि अगर ये वाला मैग्नेट बहुत छोटा हो जाए, ये मैग्नेट बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ये वाली जो लेंथ एल अभी इतनी बड़ी थी वो और छोटी हो जाएगी, मतलब ये अभी भी डी से छोटी है, डी के कंपेयर में ये वाली लेंथ बहुत छोटी है, मैग्नेट छोटा कर देने से ये वाली लेंथ और छोटी हो जाएगी, तो हम डी के कंपैरिजन में एल को नेग्लिजिबल ले लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इफ वी कंसीडर अ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एल इज स्मॉलर 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 देन डी, एल क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा डी से, तो इस इक्वेशन में फोर नाम दे दे इसको, एल को हम लोग क्या ले लेंगे, हटा लेंगे, नेग्लिजिबल ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनल हमको क्या मिलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो कर देते हैं इसमें, जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, पावर में थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या डी क्यू, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यू। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, एक्सियल लाइन ऑन पोजिशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसमें हमको आंसर क्या मिला था, 2m मिला था, यहाँ पे 2m मिला था, yes, और इसमें कितना मिल रहा है, मैग्नेटिक जो डायपोल होता है इसके एक्सिस में जितनी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और इसके इक्विटोरियल लाइन में जो जितनी इंटेंसिटी होती है, अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो हम देखेंगे कि एक्सिस में इंटेंसिटी इक्विटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन की डबल होती है, एक्सिस में डबल इंटेंसिटी हमको देखने को मिलती है। तो इस लोकेशन पे इंटेंसिटी यहाँ पे हमको 2m मिला था और इस लोकेशन पे सिर्फ m मिलता है, बात समझ में आ रही है, हाँ। तो मैग्नेट का इफेक्ट ज्यादा कहाँ होता है, ऊपर की एक्सिस में, एक्सिस में ज्यादा इफेक्ट होता है, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, ओके। और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। देखिए कंपैरिजन बिटवीन एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, पोजिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, आप लोग अभी देखेंगे नहीं, पहले थोड़ा सा आप लोगों को वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, डी क्यूब था, इसके ऊपर आप लोग एक लाइन लिखिए, ऑन द स्मॉल मैग्नेट डेंसिटी ऑफ फील्ड ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय, ये लिख लेंगे
बीवर एन एफ ऑफ साइड में आपको क्या देखने को मिला वो भी लिख लीजिए. एट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, एट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ऑन न्यूट्रल एक्सिस इज, न्यूट्रल एक्सिस उसी को बोलते हैं ना ब्रॉड साइड को, है ना. यस सर. बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यू. इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ये देखिए बी टू या बी वन इसके इक्वल है टू टाइम्स ऑफ बी टू के. बी वन किसके इक्वल है टू टाइम्स ऑफ बी टू. मतलब आप अगर बी टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी वन मिल जाएगा. यस सर. है ना, कैसे मिल जाएगा इसको अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये टू एम होगा, है ना. और जब ये 2m हो जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी वन. तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा इसको ना आप लोग समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, ये b1 जो मैं लिखा हूं ना इसको आप लोग bxn लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे. और इसको क्या लिख सकते हो, b ब्रॉड स्मॉल में लिख, इसको बी एक्सियल और ये बी ब्रॉड, ब्रॉड या इक्वेटोरियल जो आपको याद रहे.